सो क्लास दिस इज़ द लास्ट न्यूमेरिकल, और इसमें आपको क्या करना है, तो जैसा कि यहाँ दे रखा है, वंस आई एम रीडिंग द न्यूमेरिकल कि 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू प्लस 2 क्यू एंड -3 क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड एल। तो सबसे पहले यहाँ डायग्राम दे नहीं रखा है, मैं डायग्राम शो कर दे रही हूँ, ये डायग्राम आपको बनाना है। सो सपोज दैट दिस वन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस पे जो चार्जेस हैं वर्टिसेस पे, तो लेट ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस 2 क्यू चार्ज है, और सी वाले पॉइंट पे -3 क्यू चार्ज है। तो इसमें कहा गया है कि दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स के नेम लेट ये हैं A1, ये वाला मिड पॉइंट है B1, और ये वाला मिड पॉइंट है C1। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्जेस टू द न्यू लोकेशंस। तो पहले चार्जेस जो है वो ए बी और सी पॉइंट्स पर थे, अब आपने इनको शिफ्ट किया और कहाँ लेकर आए, A1 B1 और C1 पर, तो कितना वर्क करना पड़ा। तो क्या करना होगा एक्चुअली, इसमें वर्क करने का मतलब कि हम फाइंड करेंगे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हम फाइंड करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जब चार्जेस अपनी इनिशियल पोजीशंस पे थे, यानी कि वर्टिसेस पर थे, तो उस कंडीशन में क्या किया है कि यू आई इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है वो यूज़ करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फॉर्मूला होगा Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस या सेपरेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हर एक चार्जेस का पेयर आता है पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में, आपको पता है। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है, तो मेक द डायग्राम फर्स्ट, देन आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, तो अब सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन हियर, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करना है। तो सबसे पहले हर एक पेयर को लेना है Q into 2Q अपॉन सेपरेशन कितनी है इसके बीच की, L, प्लस इसी तरह से दूसरा पेयर जो आएगा वो होगा Q into -3Q अपॉन जो सेपरेशन है दैट इज़ अगेन L, और तीसरा जो पेयर होगा आपका वो -3Q into 2Q अपॉन L। तो ये तीन पेयर्स हैं आपके पास, इनको सॉल्व कर लेना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ रहेगा, कॉमन है, और बाकियों को सॉल्व करेंगे तो ये पहला अपॉन में जो है इसमें L, क्योंकि तीनों में कॉमन है तो L को भी आउटसाइड ले लेंगे, तो अपॉन L। बाकी जो इसमें बचता है तो उसमें सॉल्व करने से, एक बार मैं यहाँ पर इसको शो कर दे रही हूँ प्रॉपरली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कॉमन, और 1/L कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, पहले वाले पेयर में Q into 2Q, दूसरा पेयर आ रहा है प्लस Q into -3Q, तीसरा पेयर आ रहा है 2Q into -3Q। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लेट कर लिया है अपॉन L, तो पहला वाला जो सॉल्व हुआ वो 2Q स्क्वायर, दूसरा वाला आ रहा है -3Q स्क्वायर, और तीसरा वाला आ रहा है -6Q स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे तो -6 और -3 -9, और ये प्लस का 2 है तो -7, तो -7Q स्क्वायर के अपॉन L। तो इसको लिख लिया है यहाँ पर -7Q स्क्वायर K
के अपॉन एल, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह से जब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो चार्जेस तो सेम रहेंगे, ये जो सेपरेशन है तीनों में, ये सेपरेशन यू एफ के लिए जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी, चार्जेस वही रहेंगे। तो फिर से अगर रिलेशन लिखें तो के आउटसाइड आ जाएगा और डिस्टेंस सभी की कितनी है, एल अपॉन टू, क्योंकि वो मिड पॉइंट पे शिफ्ट हो गए हैं। बाकी ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व होके आया था वो रिलेशन वैसा ही रहेगा, तो माइनस सेवन क्यू स्क्वायर ही आया था। अब इसको जब सॉल्व करेंगे टू न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो रिलेशन आपका बन जाएगा माइनस फोर्टीन क्यू स्क्वायर के अपॉन एल। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज़ में जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, तो फाइनल जो है वो ये दे रखी है माइनस, और माइनस इनिशियल करेंगे तो ये जो माइनस का साइन है ये प्लस बन जाएगा, तो माइनस फोर्टीन में से प्लस सेवन जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो ये आ रहा है वो माइनस साइन के साथ में आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस सेवन क्यू स्क्वायर के अपॉन एल। तो इतना वर्क करना पड़ेगा चार्जेस को मिड पॉइंट्स तक लाने में। तो आज का आपका जो वर्क है वो इतना है, इतने न्यूमेरिकल्स हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से और ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।